से खबर बता देते हैं, जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर मोदी के कार्यक्रम की जगह से 15 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। जम्मू से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम के दौरे से पहले जम्मू में 2 आतंकी हमले हुए। जम्मू के सुजवा आर्मी कैंपस के पास हुआ आतंकी हमला, बड़ी खबर आपको हम जम्मू से बता रहे हैं। जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर हमले में एएसआई शहीद, 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले आपको बता दें कि 2 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए। आज सुबह 4:25 के करीब हुआ आतंकी हमला, इसकी पड़ताल चल रही है, ऑपरेशन अभी जारी है और इस पे थोड़ा वक्त और लगेगा। तो क्या डिटेल्स, क्या इन्फिल्ट्रेट करके आए थे या यहाँ पे? ये कहना मुश्किल है कि अभी वेदर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और कहीं से आए थे, ये सब जांच की बात है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी। तो क्या फिदाइन कोई ऐसा प्लान है? ऐसा लगता है, जिस हिसाब से इनकी भारी मात्रा में हथियार हमला इनके साथ था, ऐसा लगता है कि ये फिदाइन। बारामूला में अब तक 4 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि मोदी के कार्यक्रम की जगह से 15 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ है और इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और बड़ी खबर जम्मू से बता रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले जम्मू में 2 आतंकी हमले हुए। जम्मू के सुजवा आर्मी कैंपस के पास हुआ आतंकी हमला। जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर हमले में एएसआई शहीद, 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमला। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आलोक बंसल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आज जो 2 आतंकी हमले हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले ये 2 हमले होना, साथ ही साथ जहां पर उनका कार्यक्रम है उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर ये हमले हुए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बारामूला में आपको बता दें कि 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं, मोदी के कार्यक्रम की जगह से 15 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर मोदी के कार्यक्रम के ठीक पहले हुआ हमला। बड़ी खबर, मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले हुआ हमला, 2 आतंकी हमले हुए। डिफेंस एक्सपर्ट आलोक बंसल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद आलोक जी। ये जो 2 आतंकी हमले आज हुए हैं, आपको बता, आप इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर दौरा था, कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम स्थल से ठीक 15 किलोमीटर दूरी पर यह हमला हुआ है, इस हमले को कैसे देख रहे हैं आप? इस हमले की कोशिश है कि प्रधानमंत्री के दौरे को डिस्टर्ब किया जाए। जो शक्तियां आतंक फैला रही हैं जम्मू कश्मीर में, वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री का दौरा सफल हो, और उससे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए इस तरीके की गतिविधियां पहले भी होती रही हैं। और ये गतिविधि यही दिखलाती है कि जो आतंकवादी तत्व हैं वो चाहते हैं कि लोग जो है मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से ना जोड़ पाए, और इसके लिए उनके हमेशा सतत प्रयास रहते हैं। पर जम्मू कश्मीर के आवाम ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने कई बार दिखा दिया है कि वो इस तरीके की चीजों से डरते नहीं है और डरने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की गतिविधियों से प्रधानमंत्री के दौरे पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, और
जो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से देश की मुख्य धारा से जुड़ता चला जा रहा है, जी, ये जो कार्रवाई है, ये प्रोसेस है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपसे लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि अब ऐसे जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इनसे कैसे, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए या किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी आर्मी कैंपस के पास ये हमले हुए हैं, बस में 15 जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये हमारे जवान जो देश की सरहद पर है उनके लिए एक बहुत ही अनहोनी जैसी बात होती अगर वो समय से चेतते नहीं, तो ऐसे में किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की ही जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे सामान्य शहरियों को, सामान्य नागरिकों को भी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए और चौकस रहने की आवश्यकता, क्योंकि इटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि मोदी के कार्यक्रम की जगह से 15 किलोमीटर दूरी हम हुआ, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि मोदी जी के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए इस तरीके से आतंकी साजिश जो है वो रची जा रही है। और रुकिंग छोटे से ब्रेक।